Hey everyone, welcome back to my channel. So we are ready and अभी हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए. So चलिए आप लोग भी, and मैं पहनी हूँ ये सूट, मेरा चूड़ा नया नया पतिदेव, ये रहे, ये भी रेडी है, हम दोनों मैचिंग कर रहे हैं ना. सो आज भर हम लोग ये रूम में रहेंगे एंड कल चेकआउट कर लेंगे. तो कल हम लोग कहाँ जा रहे हैं हरिद्वार से, वो आप लोग को पता चलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. सो अभी चलिए हम लोग चलते हैं हरिद्वार घूमने. सो लेट्स गो. तो हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार में, हर की पौड़ी में. सो ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा, सब कोई गंगा स्नान कर रहे हैं यहाँ पे. अभी पति देव भी करेंगे एंड मैं यहाँ पे फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रही थी. बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है. सो गाइज, ये हम लोग का रूम से, जहाँ पे हम लोग रूम लिए हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है. सो बहुत जल्दी यहाँ पे रिक्शा, ऑटो वगैरह सब चीज़ चलता है. यहाँ पे देखिए सिक्का, कॉइन, ये सब बहुत पुराना है एंड ये सब पतिदेव देख रहे थे. तो यहाँ पे आप लोग को अलग अलग आइटम्स, अलग अलग सामान आप लोग को देखने को मिलेगा जो हम लोग के साइड में नहीं मिलता है. यहाँ पे अलग अलग बहुत पुराना पुराना सिक्का हो गया, क्लोथ्स हो गया, ये सब बहुत सारा आइटम्स यहाँ पे मिलती है. सो यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो आप लोग. इतना ज़्यादा भीड़ है, पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है. पतिदेव अभी नहाएंगे या नहीं देखते हैं. गंगा स्नान करना, इतना भीड़ है, पानी का लेवल बहुत. सो गाइस, पतिदेव गंगा स्नान कर लिए एंड अभी हम लोग जाएंगे चंडी देवी मंदिर. बहुत अच्छा लग रहा है, इतना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है. अभी धूप भी बहुत कड़ा है एंड अभी के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होता है. शाम को थोड़ा अच्छा होता है, कल जैसे हम लोग आए थे आप लोगों को दिखाई थी मैं, कल ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट है आज भी अच्छा लग रहा है, अब मज़ा आ रहा है. सो अभी हम लोग चंडी देवी मंदिर जाएंगे. अभी हम लोग हैं हर की पौड़ी में एंड शाम को हम लोग आएंगे यहाँ का आरती देखने, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, सबको पता है. सो अभी गंगा स्नान हो गया है तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, पतिदेव चेंज करने गए हैं. यस, बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा. पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, गंगा जी बहुत ज़्यादा ही ठंडा था पानी. पतिदेव और मैं, हम लोग ने फोटो वगैरह खिंचवा लिया है. ये रहा पतिदेव, ले रहे हैं फोटोज वगैरह, ले रहे हैं भैया से. सो हम लोग कैमरा से फोटो वगैरह खिंचवा लें, यहाँ का यादगार तो रह जाएगा ना. इतना अच्छा व्यू है यहाँ का, ये देखो यहाँ पे सब कोई कूद कूद के पूरा नहा रहा है. ये देखिए पतिदेव तो नहाए, बहुत ज्यादा ही ठंडा पानी है. तो अभी हम लोग सारे मंदिर में जा जाकर पूजा करके आएंगे. देखिए पतिदेव जा रहे हैं एंड यहाँ पे सारे अलग अलग मंदिर है सारे भगवान के. सो आप लोग भी आकर यहाँ पे जा सकते हो गंगा स्नान करने के बाद. यहाँ पे बैठने बैठने का सब कुछ चीज़ का यहाँ पे सुविधा है, खाने पीने का हर चीज़. और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ सुबह में ही गंगा स्नान कर सकते हो, यहाँ पे रात रात भर सब कोई गंगा स्नान करते हैं. 10 बजे 11 बजे तक ये खुला रहती है एंड सब कोई तब तक गंगा स्नान करते हैं रात रात को. पर ये नहीं है कि हाँ सिर्फ सुबह ही करना है. मोहन जी पूरी वाला यही है ना, खा लेते हैं. सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं मनसा देवी मंदिर एंड यहाँ पे ये देखिए रोपवे का सुविधा भी है एंड पैदल यात्रा भी कर सकते हैं. सिर्फ 2 किलोमीटर है मनसा देवी मंदिर का. तो हम लोग ने क्या किया है, पैदल यात्रा ही करना शुरू कर दिया है क्योंकि
जो रोप वे है उसके लिए हम लोग को 2 से 3 घंटा हम लोग को वेटिंग करना पड़ता है। उससे अच्छा हम लोग सोचे सिर्फ 2 किलोमीटर है, क्यों ना चला जाए। तो हम लोग ने क्या किया, पैदल ही स्टार्ट कर दिया यात्रा पहुंचने के लिए। यहाँ पे पूरा रास्ते में खाने पीने का हर चीज़ मिलता है। पहुँच ही गए, ऑलमोस्ट पहुँच गया मैं। नीचे 2 घंटा का वेटिंग था गाइस। वही रोपवे से भी है रास्ता जाने का और ऐसे भी है। हर की पौड़ी मंदिर बंदा ना उत्तर नीचे से आए हम लोग। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए मनसा देवी मंदिर। यहाँ भी भीड़ बहुत है। आगे बढ़िए, आगे। हो गया मनसा देवी का मंदिर, ये दर्शन हो चुका। फिर से पी रहा है नींबू पानी। बहुत भीड़ था, पूरा साल रहता है यहाँ पे भीड़। दिवाली बाद यहाँ लोकल का तो बताता होगा। सो गाइस मनसा देवी मंदिर का दर्शन हो गया है एंड हम लोग रोपवे से आने वाले थे बट 2 घंटा का वेटिंग था सो इसलिए हम लोग नहीं आए, हम लोग पैदल यात्रा कर लिए, है ना। अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। 2 घंटे क्या, 1 घंटे में हम लोग आ भी गए और जा भी रहे हैं। अब 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 2 घंटा हम लोग को वेट करना पड़ता, इसलिए मैं बोली पतिदेव को चलो पैदल यात्रा करते हैं, बहुत जन ही जा रहे हैं आ रहे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर से आ गए। एंड ये देखिए मेरे हाथ में टिकट है रोपवे का। सो गाइस अभी हम लोग चंडी देवी मंदिर के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं क्योंकि रोपवे से जाना पड़ता है यहाँ से। वैसे तो पैदल भी जा सकते ना, 5 किलोमीटर है वैसे, बट बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, शाम का आरती भी देखना है, सो इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे से। पतिदेव हाय तो कर दो, मॉर्निंग हाय भी नहीं बोलते हैं। हरी जय। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं ऊपर चंडी देवी मंदिर। चंडी माता की जय। कितना अच्छा लग रहा है ना व्यू। अरे वाह वाह वेरी गुड। देखो माजा पी रहा है, मेरा मोबाइल भी चलाने लगेगा, दूर रखो। ओहो प्यास लगा है इसको बेचारे को। वेरी गुड, बूंद नहीं गिर रहा है, एक ड्रॉप भी। तो गाइस दर्शन हो गया है चंडी देवी मंदिर में एंड अभी ये देखिए एक चीज दिखाती हूं आपको। अपना ये पी रहा है। क्या बोल रहे हो, चुप रहो। देखो माजा पी रहा है, ठीक है बिट्टू भी पी रहा है। ये खुद से ढक्कन वगैरह खोल के खुद ही पी रहा है, वाह फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं इसे। चलिए अब चलते हम लोग। सो गाइस हो गया दर्शन एंड अब हम लोग जा रहे नीचे। आई होप गाइज आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।